नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस जीनियस अकेडमी पर। दोस्तों, करंट की क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 3 जनवरी को इनमें से किस महान व्यक्तित्व की जन्मतिथि है। दोस्तों, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा आप, इंदिरा गांधी, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। आपसे पूछा है 3 जनवरी को इनमें से किस महान व्यक्तित्व की जन्मतिथि है। दोस्तों, सही उत्तर है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कही जाती हैं। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को महिलाओं की शिक्षा के प्रति जो इनका समर्पण था वह बाकी सराहनीय था। दोस्तों, ऐसे समय में जब सती प्रथा होती थी, बाल विवाह होते थे, विधवा विवाह तो मुश्किल से होते थे, विधवा विवाह होते ही नहीं थे, ऐसे में सावित्रीबाई फुले द्वारा महिलाओं की शिक्षा के प्रति कार्य किया जाना बहुत ही सराहनीय कदम है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं, जबकि इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को महिला शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया था। आप जो देख रहे हैं व्यक्तित्व, ये हैं सावित्रीबाई फुले। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले की जब नाम आता है तो सातवें नाम आता है ज्योतिबा राव फुले। दोस्तों, आपने समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले का नाम सुना होगा। ज्योतिबा राव फुले की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, गुलाम गिरी। ज्योतिबा राव फुले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और 1897 में पुणे में प्लेग फैल गया था, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु से पहले इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। आपके पास ऑप्शन है 108, 135, 148 और 126। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट आती है उसमें यह देखा जाता है किस क्षेत्र में कितनी बाघों की मृत्यु हुई है। टोटल संख्या के आधार पर इन्होंने देखा है, इस बार 2021 में 126 बाघों की मृत्यु हुई है। कुछ शिकारियों के द्वारा हुई, कुछ करंट के माध्यम से हुई, कुछ दुर्घटनावश हो गई, तो 126 बाघों की मृत्यु हुई है। और 2012 से यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्तों, अगर यह रिपोर्ट पूछा जाए कब से प्रकाशित हो रही है, तो 2012 से हो रही है। और 2021 में 126 बाघों की मृत्यु हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके पास है अमित बिज, अनूप रॉय, किशोर एदम, गिरीश अग्रवाल। तो दोस्तों, इसका आंसर है किशोर एदम हैदराबाद की एक कंपनी के सीईओ हैं। इनको वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से नवाजा गया है। आपको नाम याद रखना है, किशोर एदम। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पढ़े भारत अभियान, जो जनवरी 2022 में अभी 2-3 दिन पहले पदार्पण किया गया है इसका, कि जनवरी 2022 में 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का किसने शुभारंभ किया है। किस मंत्रालय के मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। ऑप्शन आपके पास है नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर और नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया है। हम बात करें नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी के पास है राजमार्ग मंत्रालय, यानी हाईवे मिनिस्ट्री, राजमार्ग मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान है, वह हैं शिक्षा मंत्री। दोस्तों, मानव संसाधन विकास का जो मंत्रालय था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। उसका अकेला नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्री कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं दोस्तों किसान कल्याण मंत्री। कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और परमाणु ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं वो है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के पास परमाणु विभाग रहता है, तो परमाणु विभाग के मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हीं के द्वारा पढ़े भारत का शुभारंभ किया गया है। इसमें बच्चों में रचनात्मकता बढ़ानी है, कि बच्चों के जो पढ़ने का जो तरीका है उसको रटने की जगह एक रचनात्मक तरीके से बच्चे पढ़ाई करें। ये हैं दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए तथा पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने के लिए इस योजना को लाया गया है।
अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मेजर ध्यानचंद, जो पहले राजीव गांधी पुरस्कार मिलता था खेलों का सबसे बड़ा, उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पूछा है मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय जो कि यूपी में बनेगा। बताइए यूपी के किस शहर में बनेगा दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास भोपाल, मेरठ, श्रीनगर और कोटा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूपी के चुनाव आने वाले हैं, तो यूपी में बहुत विकास के कार्य होंगे, तो उसी काम के सिलसिले में मेरठ में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया है। कौन, किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ऐसा बनना है मेरठ का विश्वविद्यालय, जिसमें आपको खेल की शिक्षा के साथ साथ खेलों में, जो ओलंपिक में भारत कम मेडल क्यों ला रहा है, तो शिक्षा के साथ साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है बीएस पठानिया ने आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, इन्होंने जगह किसकी ली है। आप क्वेश्चन की प्रकृति को देखें कि इन्होंने जगह किसकी ली है। बीएस पठानिया को आईसीजी का महानिदेशक बनाया गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने किसकी जगह ली है। तो दोस्तों ऑप्शन है जी अशोक कुमार, प्रदीप शाह, के नटराजन और एस रवि। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो के नटराजन, इससे पहले आईसीजी के जो महानिदेशक थे वो के नटराजन थे, इनकी जगह आए हैं बीएस पठानिया और ये हैं बीएस पठानिया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आईसीजी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2022 को किस संगठन ने 64वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन है आपके पास डीआरडीओ, इसरो, सेल और गेल। तो दोस्तों जो 64वां स्थापना दिवस मनाया है वह मनाया है डीआरडीओ ने। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ भारत की एक प्रमुख कंपनी है, प्रमुख रक्षा उत्पाद कंपनी है, जो कि रक्षा उत्पाद को उत्पादित करती है, रक्षा से क्षेत्र से संबंधित जो भी हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, उनका कौन निर्माण करता है? डीआरडीओ निर्माण करता है। डीआरडीओ की स्थापना देखें हम तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं वह हैं जी सतीश रेड्डी। दोस्तों जी सतीश रेड्डी कौन है? डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी, नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ के बारे में इतना जानकारी। डीआरडीओ का जो सिंबल है उसके अंदर लिखा है बलस्य मूलम विज्ञानम, यह भी पूछा जाता है कि डीआरडीओ का मूल वाक्य क्या है, तो आपको याद रखना है बलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का मुख्य मूल वाक्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मध्य प्रदेश की खिलाड़ी प्राची यादव का संबंध किस खेल से है। प्राची यादव मध्य प्रदेश की प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भी भाग लिया था। ऑप्शन है आपके पास पैरा बैडमिंटन, पैरा तैराक, कैनोइंग और पैरा कुश्ती। तो दोस्तों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पैरा बैडमिंटन, पैरा तैराक, कैनोइंग और कुश्ती। तो इनका जो सही आंसर है वह है कैनोइंग। इन्होंने पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, ना कि ओलंपिक में। इनके जन्म से दोनों पैर नहीं हैं, तो दोनों पैर हैं लेकिन विकलांग हैं ये पैर, पैरों में, पैरों से ये चल नहीं सकती। तो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कैनोइंग खेल में पार्टिसिपेट किया था। यह फाइनल में भी पहुंची थी लेकिन फाइनल में पदक से चूक गई, कोई बात नहीं। लेकिन आपको याद रखना है प्राची यादव का जो संबंध है वह है कैनोइंग से। ठीक है दोस्तों, दो तीन बार बोलने का मतलब यह होता है कि आपको याद हो जाए कि बार बार कैनोइंग। ठीक है, हम देखते हैं प्राची यादव का संबंध कैनोइंग से है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है। यदि आपसे जिला पूछा जाए तो क्या, कौन सा जिला आएगा? ग्वालियर। ये है प्राची यादव। ठीक है दोस्तों, ये होती है कैनोइंग, छोटी सी नाव में पतवार के साथ नाव चलाई जाती है, जो सबसे आगे होता है वह विजेता घोषित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में होने वाले चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। इसमें पूछा है चिन्नौर चावल को, तो यह किस जिले से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन है बालाघाट, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और सीधी। तो जो चावल उत्पादक होता है वो मध्य प्रदेश में, आपने ध्यान दिया हो दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, जो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, इधर बालाघाट छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, यहाँ चावल उत्पादन होता है। इसमें जिला पूछा है तो आपका जिला आएगा बालाघाट, जो कि दक्षिण में स्थित है। बालाघाट जिले का चिन्नौर चावल को जीआई टैग
प्राप्त हुआ है। तो अब बालाघाट जिले को देखते हैं, तो बालाघाट जिले में याद रखना दोस्तों, लांजी का किला भी बालाघाट में है। लांजी का किला कहाँ है? बालाघाट। दूसरी चीज जो आपने देखा होगा कि भरवेली की खान, एशिया की सबसे बड़ी भरवेली की खान किस खनिज की है? तो दोस्तों याद रखना, भरवेली कितने शब्दों का है? चार शब्दों का। तो मैग्नीज भी कितने शब्दों का है? चार शब्दों का। कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। भरवेली खान किससे संबंधित है? मैग्नीज से संबंधित है, और वह छिंदवाड़ा में, वो बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया को केंद्रीय कैबिनेट में कौन सा मंत्री पद मिला है? ऑप्शन है आपके पास, शिक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। आपको अगर मंत्री याद होंगे कि कौन सा मंत्री किस पद पे है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इसका आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्री। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसको प्राप्त हुई है? ज्योतिराज सिंधिया को। ठीक है, अब शिक्षा मंत्रालय की बात करें, शिक्षा मंत्रालय आप देख चुके हैं, शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान। कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल। और जो रक्षा मंत्रालय है वह है राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मंत्री याद होंगे कौन सा मंत्री किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और ज्योतिराज सिंधिया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की हिंदी भाषा की सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी, जिन्हें महेंद्र कुमारी भी कहा जाता था, का निधन हो गया है, वह किस जिले से संबंधित हैं? मध्य प्रदेश में आगामी परीक्षा में आने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास कि मंदसौर, नीमच, रतलाम और शाजापुर। तो दोस्तों मन्नू कुमारी की मन्नू भंडारी की बात की गई है। मन्नू भंडारी मध्य प्रदेश से और भारत की एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लेखिका है हिंदी भाषा की। मन्नू भंडारी दोस्तों नाम याद रखना, हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका। इसका जो आंसर है वह है मंदसौर। मंदसौर के भानपुरा गांव से यह संबंधित हैं। आगे इनके बारे में देखो, इनका संबंध मंदसौर जिले के भानपुरा गांव से है। भानपुरा गांव कहाँ का? मंदसौर जिले का। एक प्लेट सैलाब, यही सच है और तीन निगाहों की एक तस्वीर, इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं और यह हैं मन्नू भंडारी। ठीक है दोस्तों, 21 श्रेष्ठ कहानियाँ इनकी जो रचना है, और यह है मन्नू भंडारी, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मन्नू भंडारी जी को। दोस्तों मन्नू भंडारी के संबंध किस जिले से है? मंदसौर जिले से इनका संबंध है। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी पर डोपिंग के बाद 4 साल का बैन लग गया है? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन है आपके पास अंशुला राव, मीनाक्षी सिन्हा, ललिता सैनी और सुनीता शर्मा। तो डोपिंग के बाद 4 साल का बैन मध्य प्रदेश की ऐसी खिलाड़ी बनी है, कौन है उनका नाम? उनका नाम है अंशुला राव। दोस्तों ये मूलतः बनारस की रहने वाली हैं, लेकिन 2014 से ग्वालियर में आके रहने लगी, तो इसलिए ग्वालियर में एमपी की टीम से खेलती थी क्रिकेट। बीसीसीआई में भी ये रजिस्टर्ड क्रिकेटर हैं, तो इनका संबंध क्रिकेट से है, ये क्रिकेटर हैं। लेकिन इन्होंने डोपिंग यानी जो ड्रग्स के एक ले लिया था, जिसमें इन्होंने डोपिंग टेस्ट नेगेटिव आया, डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद इन पर 4 साल का बैन लग गया, और इनका नाम है अंशुला राव। ठीक है दोस्तों, नाम याद रहेगा आपको अंशुला राव। अगला अंशुला राव का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? हम पिछले लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं कि किसे भारत का उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके पास विक्रम मिश्री, राजेंद्र खन्ना, अजीत डोवाल और प्रदीप कुमार रावत। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे करंट के लेक्चर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।